क्लासरूम निर्णय आ जाएगा, एग्जाम होगा या तो ऑनलाइन ओपन बुक, ऑनलाइन बराबर ओपन बुक एक ही सेम चीज होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभिषेक द्विवेदी जी सामने हमारे हैं, उनसे हम कुछ पूछते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतने भारी संख्या में छात्र जो है आमरण अनशन में बैठे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए विश्वविद्यालय प्रशासन को और हमारे साथियों को। सबसे पहली बात, इतनी भारी संख्या में आमरण अनशन में बैठना एक शर्मनाक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि इतने संख्या में छात्र अगर आमरण अनशन के लिए बैठा है। कोई ये राजनीति नहीं, ये पॉलिटिक्स है कि 10-5 नेता बैठ जाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। पहली बात तो आप देखेंगे तो जो अनशन की भीड़ है उसमें कोई भी छात्र नेता आमरण अनशन पे नहीं बैठे, सभी छात्र अपने लिए, अपने सत्र के लिए, अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक या कल परसों में एक ग्रुप में निर्णय, क्योंकि 26 से 1 तक यूनिवर्सिटी बंद है, ये लोग जागेंगे, ये लोग सुनेंगे, इनकी जो ईगो पे है, ईगो में ले लिए कुलपति है, तानाशाही तो झुकेगी, एक बात तय है। और पेपर ऑफलाइन तो कतई नहीं होगा, ये भी तय है। अब इन्हें निर्णय लेना है कि बीच का रास्ता छात्रों के लिए कैसे निकालें। अगर नहीं निकालते हैं तो वो भी आगे देखने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे पास जो प्लान रहता है ABC सब रहते हैं, तो मैं हर प्लान पे हर जगह ही नहीं चाहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। जैसा कि साथियों हमारे अभिषेक भैया का निष्कासन हो गया है और कई छात्रों का हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरा निष्कासन तो होना ही था, क्योंकि मेरा जो मैं स्नातक हो गया और अभी मेरा PG का एडमिशन जो है अंडर प्रोसेस में, अगर कट ऑफ नहीं आती, अगर कट ऑफ आती है तो मेरा एडमिशन होगा, और नहीं, अगर नहीं आती तो नहीं होगा, तो उसमें कोई बात नहीं। फिलहाल जैसे अभी तो निष्कासन हो गया, मतलब प्रवेश बैन हो गया, तो अगर इस स्थिति में कट ऑफ भी नीचे आएगी तब भी मेरा प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका कैंपस बैन होता है, वो प्रवेश फिर नहीं ले सकता है। तो कैंपस बैन ऐसी नोटिसें आती रहेगी, नोटिसों से डरने की जरूरत नहीं है, जो हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है छात्रों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तभी नोटिसों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती।